डीआरडीओ का नया कारनामा, चीन के साथ रूस का विश्वासघात, रुस्तम 2 ड्रोन से चौंकी दुनिया, चीन को किस भयंकर बात का है डर। दोस्तों, रूस को दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता रहा है। एक तरफ हमेशा से ये अवधारणा रही है कि रूस भारत का परम मित्र है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को रूस का भाई बताया जाता है। और दोस्तों, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, रूस खुद चीन को अपना भाई बताता आया है। लेकिन रूस बहुत ही चालाक देश है और इसे मानने में किसी को भी देरी नहीं करनी चाहिए। वो अपने कदम फूक फूक कर रखता है, ये भी सभी जानते हैं। दोस्तों, जब भारत और चीन के बीच की स्थिति खराब थी, तब भी रूस से ये बयान आया था कि एक तरफ खड़ा मेरा भाई है और दूसरी तरफ मेरा परम मित्र। लेकिन आगे जो हुआ ना, यही मात्र देखने योग्य रह गया। दोस्तों, जिस चीन को रूस अपना भाई भाई कहते फिर रहा था, वो सिद्धांत टूट गया और वो चीन से चौकन्ना रहने लगा। दोस्तों, रूस ने इस चीज को समय रहते समझ लिया कि चीन एक धोखेबाज देश है, वो मात्र अपने फायदे के लिए ही किसी देश से दोस्ती बढ़ा सकता है, और रूस अब इस सिद्धांत पर चलना शुरू कर चुका है। दोस्तों, रूस जान चुका है कि चीन कभी किसी देश के साथ अपने बिना स्वार्थ की मित्रता दिखा ही नहीं सकता, और इसी वजह से रूस चीन से चौकन्ना रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो अपने एयरक्राफ्ट के लिए एक इंजन नहीं बना पा रहा है। और आपको बता दें कि भारत के साथ भी ये दिक्कत है, लेकिन भारत अपने बुद्धिमत्ता से समस्या को दूर कर रहा है, वहीं चीन अपनी इस समस्या में उलझ सा गया है। हालांकि चीन के पास इंजन तो है, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर पाते हैं, और तभी चीनी वायुसेना की ऊंचाई जगहों पर टैं फिस हो जाती है। और दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चीन की वायुसेना के पास जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें रूसी इंजन लगे हुए हैं, यानी चीन के एयरक्राफ्ट्स रूस के बदौलत उड़ान भर पा रहे हैं। दोस्तों, आप खुद ही समझ आइए कि चीन इस मामले में किस कदर नीचा है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया भर में अपने सामान बेचने वाला देश चीन इंजन के लिए रूस के सामने हाथ फैलाता रहा है, और जिस तरह से दुनिया भर में युद्ध के हालात बन रहे हैं, चीन को फिर से रूसी इंजनों की याद आ रही है। दोस्तों, यही कारण है कि चीन पहली बार रूस की आलोचना करता नजर आ रहा है। दोनों एक्सपर्ट्स की माने तो रूस ने बहुत पहले ही चीन को टर्बो इंजन और कई खास हथियार देने से मना कर दिया था, और साथ में चीन को ये नई तकनीकें न मिले इसके लिए बाधा भी खड़ी की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से चीन इस वक्त बयान दे रहा है, इससे तो साफ यही पता चलता है कि चीन रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, चीन ऐसा क्यों कर रहा है, आपको हम ये भी बताते हैं। दोस्तों, चीन को इस बात का डर है कि रूस कहीं भारत के साथ और कोई नई सैन्य डील न साइन कर दे। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही रूस ने अपनी S-400 की फौज भारत को दी है। भारत S-400 की फौज लेकर रूस का शुक्रगुजार है, और इस बात की खलबली पूरी दुनिया में है। लेकिन चीन को इस बात का काफी डर है, क्योंकि वह जानता है कि अगर युद्ध के हालात होते हैं, तो कल के समय में जाके भारत S-400 उसी चीन पे फोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये भी बात है कि आने वाले 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, और इसी बात को चीन की चिंता है कि कहीं रूस और भारत में कोई और नई डील न साइन हो जाए, और अब वो रूस पर प्रेशर बनाना चाहता है। दोस्तों, ये आपको बता दें कि चीन के लिए एक के बाद एक बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। चीन अब सीमा पर ड्रोन्स की तैनाती कर रहा है। दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि चीन को इस बात का भरोसा है कि ड्रोन्स युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो अपने ड्रोन्स को डेवलप करने पर लगा हुआ है, और आपको बता दें कि मात्र चीन ही इस बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि भारत को भी इस बात का पूरा भरोसा है कि ड्रोन्स युद्ध में बड़ा कमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सच भी है कि दुनिया के कई देश ऐसा सोचते हैं कि ड्रोन्स युद्ध का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं, और यकीन मानिए, ड्रोन सच में गेम बदलने की चीज है। दोस्तों, आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि हथियारों को ऐसे ही कोई खरीद नहीं सकता है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। और अगर कोई देश ये चाहे कि जिस देश से वो हथियार खरीद रहा है उसको जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए भी उसे पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा ही, और जंग के समय तो ये और खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, चीन ने ड्रोन्स के लिए अपनी कमर कस ली है, और आपको बता दें कि इसके लिए भारत ने भी कमर कस ली है, और चीनी सेना से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप दे दिया है।
भारत ने अपने रुस्तम 2 ड्रोन विमान की ऑटोमेटिक उड़ान सफलतापूर्वक कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें इसके बारे में हमने आपको बड़ी डिटेल में एक वीडियो में बताया था। रुस्तम 2 की सफलता से DRDO के वैज्ञानिकों को कितनी खुशी है और इससे पूरे देश में कितनी खुशी है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का ऐसा ड्रोन होने वाला है जो पूरा आत्मनिर्भर है। अभी तक हम अपने ड्रोन्स के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जो हमारी ड्रोन्स हमारी खुद की अपनी स्वदेशी आत्मनिर्भर तकनीक से चलेगी। दोस्तों, DRDO का मकसद है कि रुस्तम 2 को इसराइल के हेरॉन यूवी के टक्कर का बनाया जाए। जी हाँ, हेरॉन यूवी इसराइल का खास ड्रोन है जो युद्ध में अपनी कलाबाजी दिखा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेरॉन को एयरफोर्स और नेवी पहले ही उपयोग कर रही है और आपको बता दें कि रुस्तम 2 के विकास को चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ तेज किया जा रहा है और रुस्तम 2 की भारतीय सेना में शामिल होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यकीनन दोस्तों, आज फ्रांस, रूस, इसराइल जैसे देश भारत के साथ हैं और भारत को चीन से लड़ने में खासा मदद भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर कल के समय में युद्ध छिड़ता है तो कौन सी नई बात सामने निकल कर आती है। वैसे तो फिलहाल वर्तमान में यही माहौल बना हुआ है कि भारत के साथ अमेरिका, रूस, इसराइल जैसे शक्तिशाली देश हैं और इतना ही नहीं, भारत की जो दयालुता की जो नीति रही है छोटे छोटे देशों को मदद करने की, इस वजह से भी कई छोटे देश भारत के साथ ही हैं। वहीं चीन की धोखेबाजी और चालबाजी से हर कोई वाकिफ हो चुका है और बड़े से बड़ा देश, छोटे से छोटा देश चीन के खिलाफ खड़ा है और यही सारे देश भारत के साथ हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 6 दिसंबर को भारत आना एक बहुत बड़ा अहम कदम है और ये इतना अहम हो सकता है कि कई सैन्य सुरक्षा पर वार्ताएं हो सकती हैं, कई डील्स हो सकती हैं और यही चीन को परेशान कर रहा है। दोस्तों, इन सब को देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, हमारे चैनल को आप ट्रैक करते रहें और आज जो हमने आपको वीडियो बना के दी है इसमें आपका क्या कहना है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।